अरे मोनू, मोनू भाई तू कहाँ था यार? कल क्यों नहीं आया तू? बहुत कुछ मिस कर दिया तूने यार, बहुत कुछ, बहुत बड़ी गलती कर दी यार, तू कल नहीं आया। अब देखना तू बहुत पछताएगा। ऐसा क्या हो गया कल? आग लग गया था स्कूल में क्या? आग नहीं लग गया था, कल ना शास्त्री सर बोल रहे थे कि आज पूरे दिन मस्ती करो, पढ़ाई करने की कोई जरूरत नहीं है, ग्राउंड में जाओ, क्रिकेट खेलो, कबड्डी खेलो, जो खेलना है जो खेलो, पूरे दिन खेलते रहो, आज पढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं होगा। कल पूरे दिन हम लोग मस्ती किए। और मैथ वाले सनकी सर ना, जो सनकी सर है वो कल आए ही नहीं थे, और जो उनका होमवर्क है वो आज चेक होगा, कल चेक नहीं हुआ था, तो मिस कर दिया भाई। क्या यार सच्ची? और आगे सुन, कल ना प्रिंसिपल सर का बर्थडे था, वो ना ठंडा मंगवाए थे, समोसा मंगवाए थे, पकौड़ा मंगवाए थे, आलू के चिप्स मंगवाए थे, और पनीर वगैरह जो है वो सब मंगवा लिए थे। हम लोग जो खाते हमारा पेट दर्द होने लगा, सर बोल रहे थे और खाओ, हम लोग बहुत खाए, तभी खत्म नहीं हो रहा था भाई, बहुत मंगाए थे बहुत। और सब लड़कियां जो है ना वो घर का ड्रेस पहन कर आई थी प्रिंसिपल सर का बर्थडे विश करने के लिए, और सब लोग जो है नाच गाना प्रोग्राम चल रहा था, सब लोग नाच रहे थे, सर का बर्थडे मना रहे थे कल। क्या यार सच्ची? और भाई सुन आगे, और जो है इंग्लिश वाली जो मैडम है ना, वो मोती चूर के जो है लड्डू लेकर आई थी बोरा भरकर, उनके घर जो नवरात्रा था उसमें जो प्रसाद जो है वो हम लोग को यहाँ बांटने के लिए लेके आई थी, बहुत ज्यादा दिल लिफाफा भर भर के हम सब अपने घर लेके गए। मोनू भाई, मोनू यार तू क्यों नहीं आया यार? भाई क्यों नहीं आया तू? बहुत मिस कर दिया यार, बहुत ज्यादा मिस कर दिया तू भाई। सुबह नहीं आया था तो आधे टाइम से ही आ जाता, पर आ जाता, हम लोग तुझे बहुत ढूंढ रहे थे, हम लोग सोच रहे थे कि अब आएगा, पर तू नहीं आया भाई। क्या यार सच्ची? ऐसा कैसे हो गया यार? यार मुझे टेंशन हो गया यार, मैं क्यों नहीं आया यार? क्या कर दिया मैंने यार? मिस कर दिया यार। क्या हुआ रे? मातम क्यों मना रहे हो तुम लोग? कौन रो रहा है? चल बैठ मोनू अपने सीट पे, बैठ सीट पे अपने। सर हम लोगों की तरफ से गुड मॉर्निंग है आपको। सब लोग ठीक ठाक हो? नहीं सर। मजाक कर रहे हो तुम लोग मेरे साथ? हाँ जी। बदतमीजी ना करो, और जितना मुझसे बच सकते हो बचो। शायद तुम लोगों को याद होगा, मैं तुम लोगों को एक सरप्राइज देने वाला हूँ। नहीं सर, बिल्कुल नहीं। फिर से हरामीपन वाला बात मत करो, घर समझा है तुम लोगों ने स्कूल को? खड़ा हो गोलू, इधर आ मेरे पास, इधर आ। नहीं सर। मेरे पास आ जल्दी। जा गोलू जा, तेरे दादाजी बुला रहे हैं। गोलू तुझे सुनाई नहीं दे रहा है? बदतमीज हो गया है तू भी। सर ये नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? क्योंकि सर ये बड़ा होकर वेटर बनना चाहता है इसीलिए। शांत हो जाओ सब। अगर अब किसी बच्चे की आवाज आई तो उसको क्लास से बाहर निकाल दिया जाएगा। तुम लोगों की इसी शैतानियों के कारण ही स्कूल से कई टीचर जा चुके हैं, और कोई भी बाहरी टीचर इस स्कूल में आना नहीं चाहता है। नए टीचर के न मिलने के कारण ही हमारे प्रिंसिपल सर ने AI वाला रोबोट मंगवाया है, जो आगे से तुम लोगों को पढ़ाएगा। मतलब सर आप भी हमें छोड़ के चले जाओगे? नहीं सर ऐसा नहीं कीजिए, सॉरी सर, मैं जो है पूरी क्लास की तरफ से आपसे माफी मांगता हूँ, आप ये स्कूल मत छोड़िए सर। अभी तो मैं नहीं जा रहा हूँ, जब तक AI वाला रोबोट तुम लोगों को पढ़ाने के लिए ट्रेंड नहीं हो जाता है। अब मैं तुम लोगों के बीच बुलाना चाहूंगा मिस्टर रोबो सर को। आइए सर। गुड मॉर्निंग रोबो सर। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बच्चों ये है AI वाला रोबोट जो तुम लोगों को पढ़ाने के लिए मंगाया गया है। सर आप अपने बारे में कुछ बताइए। आई एम एडवांस आर्टिफिशियल रोबो। इंटरनल मेमोरी 256 टेराबाइट। स्पीच 1 हर्ट्ज। मेमोरी 10 टेराबाइट। फुल्ली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट। टोटल मेटल बॉडी। बैटरी बैकअप 48 आवर्स। आई एम योर न्यू टीचर अपॉइंटेड हियर। ये सब छोड़ो सर, बताइए आप ये पढ़ाएंगे क्या हमें? कौन सा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे? मैथ, हिंदी, पंजाबी या भूगोल? बच्चों ये आप लोगों को पढ़ाएंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि AI। सबसे पहले आप लोग ये बताइए कि AI के बारे में आप लोगों को कितना जानकारी है? AI हम कहाँ कहाँ इस्तेमाल कर सकते हैं, कहाँ यूज कर सकते हैं इसको? सर जी हम लोग AI का यूज चेहरा बदलने के लिए करते हैं, जैसे कि शरीर किसी और का हो उसमें किसी और का चेहरा लगा दें। किसी भी वीडियो या फोटो में हम चेहरा बदल सकते हैं, किसी के चेहरे पे किसी का चेहरा लगा सकते हैं। सर आप अपना कोई फोटो या वीडियो दीजिए, मैं आपका चेहरा बदल के दिखाता हूँ, किसी लड़की में आपका चेहरा लगा के दिखाता हूँ, और तो और आपके सर पे बाल लगा सकता हूँ AI के द्वारा। सर हम AI का यूज कर करना जी, किसी को भी हम डांस करवा सकते हैं जी, और किसी का जो है हम लोग गाना गवा सकते हैं किसी से भी। आपने वो वीडियो देखा होगा सर, वो फोटो जो है मोदी जी गाना गाते हैं जी। सर मैंने भी देखा है, मोदी जी किसी मेलोनी के साथ में नाच गा रहे हैं, चिल्ल मार रहे हैं, ये सब AI के द्वारा ही हुआ है। सर जी AI के द्वारा हम आवाज भी बदल सकते हैं, जैसे कि मैं लड़की की आवाज में बात कर सकता हूँ, और सामने वाला पहचान भी नहीं पाएगा कि कौन बोल रहा है। AI के द्वारा हम अपना होमवर्क करवा सकते हैं, जल्दी से जल्दी होमवर्क हो जाएगा इससे हमारा। AI सिर्फ तुम्हारा होमवर्क या गाना गवाने, डांस कराने या फिर फेस बदलने से कुछ ज्यादा ही कर सकता है। आपके सब्जेक्ट्स में एक AI का सब्जेक्ट जोड़ा गया है जो रोबो सर पढ़ाएंगे। आप लोगों को AI के बारे में पूरी जानकारी दी जाएगी कि आप लोगों को पता चल सके कि हम लोग AI का उपयोग कहां कहां कर सकते हैं।
हैं। इसका मतलब सर ये है कि ये जो रोबो सर हैं, वो एआई का उपयोग करना हमें सिखाएंगे। हाँ बच्चों, एआई एल्गोरिदम के हेल्प से रोबो सर आप लोगों को पढ़ाएंगे। ये आप लोगों के बारे में आप लोगों से ज्यादा जानते हैं। आप सभी लोगों की इन्फॉर्मेशन इनके अंदर स्टोर किया गया है। तो सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि रोबो सर मेरे बारे में बताइए कि आप मेरे बारे में क्या जानते हैं जो मुझे नहीं पता है। क्या जानकारी मेरी है जो आपके अंदर स्टोर की गई है, मैं जानना चाहता हूँ। कहीं मेरे बारे में कुछ गलत इन्फॉर्मेशन ना आपके अंदर स्टोर किया गया हो। आपका नाम समोखन है, आप टोपी के बहुत शौकीन हैं। आप अपनी टोपी कभी नहीं उतारते हैं। टोपी में आपकी जान बसती है, टोपी आपकी आन बान शान है, टोपी आपका सम्मान है। आप इंग्लिश बोलने के बहुत शौकीन हैं, पर इत्तेफाक से आपको इंग्लिश आती नहीं है। अगर आप इंग्लिश बोलते हैं तो लोगों को समझ नहीं आता है कि आप कहना क्या चाहते हैं। आप दिल के बहुत अच्छे इंसान हैं, आप हमेशा लोगों की मदद करते हैं, पर लोग आपका फायदा उठाते हैं। आपके हाथ में पैसा तो बहुत आता है, पर आपके हाथों में टिकता नहीं है पैसा। आप अपने दोस्तों से बहुत प्यार करते हैं और आप अपने दोस्तों के लिए जान भी दे सकते हैं। आपका एक बहुत ही करीबी दोस्त है जिससे आप अपनी जान से भी ज्यादा प्यार करते हैं, उसका नाम मोनू है। बस कर पगले, रुलाएगा क्या? अब मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में क्या स्टोर किया गया है आपके अंदर? आपका नाम मोनू है, आप हर बात में बोलते हैं समोखन सही कह रहा है। आप उधार लेना बहुत पसंद करते हैं, पर देने का आपका बिल्कुल मन नहीं करता है। आपका सबसे बड़ा दोस्त इसी क्लास में पढ़ता है, आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी इसी क्लास में पढ़ता है। आपको भूतों से बहुत डर लगता है, आप आगे चल के भविष्य में बहुत आगे जाएंगे। आप सोचते बहुत कुछ हैं, पर आप कुछ कर नहीं पाते हैं। हाँ हाँ, बात तो सही है। ये सब छोड़ो, मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में कुछ बताओ तो जानूं। आपका नाम गोलू है, आपका पूरा नाम गोलू गुल्लक है, क्योंकि आपका पेट कभी नहीं भरता है। आप खाने के बहुत ज्यादा शौकीन हैं, आप बहुत डरपोक हैं और आप उतने ही मासूम हैं। आपके मम्मी पापा आपको बहुत ज्यादा प्यार करते हैं। आप इस क्लास में सबसे ज्यादा क्यूट हो। पढ़ने लिखने में आपका दूरों दूर कोई नाता नहीं है। आप पढ़ने में बहुत नालायक हो, लोग आपकी मासूमियत का बहुत फायदा उठाते हैं। कभी कभी दुश्मन भी आपकी मासूमियत का फायदा उठा लेते हैं, आपके दोस्तों से जुदा कर देते हैं आपको। मेरे बारे में कुछ बताओ, मेरे बारे में भी बताओ। आपका नाम राजू है, आप बाल के बहुत ज्यादा शौकीन हैं। आपका गला कट जाए पर आपका बाल नहीं कोई काट सकता। आप हमेशा झूठ बोलते हैं, आप अपनी बात मनवाने के लिए कभी कभी रोने भी लगते हैं, सच को छुपाने के लिए भी आप रोते हैं। आप अपनी जिंदगी में कुछ नहीं कर पाएंगे, आपका जीना बेकार है, आप इस धरती पर बोझ है, बोझ। अरे इसके बारे में रहने दो, इसके बारे में सबको पता है। मेरे बारे में बताओ, मेरे बारे में। आपका नाम पप्पू है, पर आप कभी पास नहीं हुए। आप बहुत चुप्पे किस्म के आदमी हैं। कोई भी मामला होता है तो आप सबसे पीछे खड़े होते हैं, और जहाँ कोई फायदे वाली बात होती है वहाँ सबसे आगे खड़े होते हैं आप। कभी भी आपने अपने दोस्तों के ऊपर एक रुपए नहीं खर्चा किया। आप कंजूस भी एक नंबर के हैं। उसका छोड़िए, मेरा बताइए, मुझे एआई से बहुत नफरत है। आपका नाम अय्यर है, आपका प्रसिद्ध नाम गंजा है, सभी लोग आपको गंजा कहकर बुलाते हैं। आप पढ़ने में थोड़ा बहुत अच्छे हैं, आप बहुत घमंडी किस्म के आदमी हैं, आपके अंदर घमंड भरा हुआ है। पर मुझे भी समझ नहीं आया आपको किस बात पर घमंड है। आपको देखने में तो लगता नहीं है कि किसी प्रकार का आपके अंदर घमंड होना चाहिए। आप अपनी शादी करने के लिए बहुत परेशान हैं, आप शादी के सपने रोज देखते हैं, आप बहुत उतावले हैं शादी करने के लिए, पर आपके परिवार वाले आपकी शादी अभी नहीं करवाना चाहते, लेकिन आप शादी करने के लिए मरे जा रहे हैं। आप मौका पाने पर किसी के भी पीठ में खंजर घोंप सकते हैं। आपको एक बहुत गुप्त बीमारी है। बस बस बस, रहने दो रहने दो। सर ये क्या बकवास कर रहे हैं, सर ये सर क्या बकवास कर रहे हैं, इनको बोलिए आगे पढ़ाएं हमको। वैसे सर जी ये बता रहे हैं जो बिल्कुल सही बोल रहे हैं, मुझे तो गलत नहीं लगता है। अच्छा सर ये बताइए कि ऐसा एआई क्या कर सकता है जो एक आम इंसान नहीं कर सकता है, जो मैं नहीं कर सकता हूँ? ये हमें और कंफ्यूज करने के लिए लाया गया है। बात ये नहीं है कि एआई क्या कर सकता है क्या नहीं कर सकता है। एआई बनाने का मुख्य उद्देश्य हमारे काम को आसान करना है। अगर हमें आगे जीना है तो एआई सीखना ही होगा, नहीं तो बाकी लोग आपसे आगे निकल जाएंगे। क्या बात कर रहे हो सर, मैं अपनी पूरी जिंदगी अभी तक बिना एआई के जिया हूँ, मुझे तो कोई कमी नहीं लगा। ये तेरी सबसे बड़ी गलती है। आज के टाइम पर सब लोग किसी ना किसी रूप में एआई का यूज कर रहे हैं। एआई को अपना पक्का दोस्त समझो, वो किसी ना किसी
रूप में रोज आपकी हेल्प कर रहा है। उसको अपना फ्रेंड मानो, दोस्त मानो पक्का वाला। मैं ये कंफ्यूज हूँ कि आगे चल के अगर आपने बोला कि आपने बेस्ट फ्रेंड या जो AI है उसके ऊपर आप एक जो है ऐसे लिखो, तो मैं कैसे लिखूंगा? जैसे कि जैसे मोनू जो है ये मेरा पक्का दोस्त है, तो मैं लिख सकता हूँ कि ये कितने साल का है, इसके मम्मी पापा क्या करते हैं, इसके दादा दादी क्या करते हैं, और ये जो है कहाँ खेलता है, क्या करता है, क्या लिखता है, क्या पढ़ता है, इसके बारे में क्या लिखूंगा जो है AI रोबोट? इसके बारे में तो हमें कुछ पता ही नहीं है। इसके अलावा भी AI आपकी कई तरह से हेल्प कर सकता है, जैसे कि आपको कितने बजे उठना है, क्या आपको खाना है, दिन में कितना चलना है, आपके शरीर में कितनी कैलोरी होनी चाहिए, कितना पानी पीना है, कितने बजे सोना है, ये सब आपको AI बता सकता है। ये सब तो मेरी मम्मी मुझे बताती है, तो मुझे AI का क्या काम है? क्या करूँगा AI का? AI लेकर मैं क्या करूँगा जब मेरी मम्मी मेरे पास है? सर मैं बहुत देर से AI के बारे में सुन रहा हूँ, मुझे इस क्लास से बाहर निकाल दीजिए। मुझे लगता है AI हमारे समाज को नुकसान पहुँचा रहा है, हमें स्कूल में AI नहीं पढ़ना चाहिए। मेरे पापा कहते हैं AI के वजह से कई सारे जॉब्स खतरे में आ गए हैं, क्योंकि ये हजार लोगों का काम अकेले ही कर देता है। रोबोट्स हमारी जॉब्स पर कब्जा कर रहे हैं और लोगों को कुछ ही साल के अंदर बेरोजगार करने वाले हैं। तुम्हारे पापा करते क्या हैं वैसे? मेरे पापा कंपनी में हाजिरी लगाते हैं, वो देखते हैं कितने लोग कंपनी के अंदर आए हैं, कितने लोग कंपनी के बाहर गए हैं, इन सबका हिसाब किताब करते हैं। मेरे पापा कहते हैं लोग AI का इस्तेमाल करके डीप फेक बना रहे हैं, लोगों का फोटो या वीडियो यूज करके गलत गलत तरह के वीडियो बनाए जा रहे हैं, और इनसे मासूम लोगों को ब्लैकमेल किया जा रहा है। AI की वजह से झूठी अफवाहें फैलाई जाती हैं, झूठे न्यूज फैलाए जाते हैं। AI को देखा जाए तो बहुत खतरनाक है। हाँ बच्चों, ये काफी हद तक सही है, लेकिन अगर हम AI के बारे में पढ़ेंगे नहीं, जानकारी नहीं लेंगे, तो हमें कैसे पता चलेगा कि क्या रियल है, क्या AI द्वारा जनरेट किया गया है, क्या फेक है, क्या रियल है, कैसे जानकारी होगी? इसलिए AI पढ़ना बहुत जरूरी है। कुछ दिन के लिए तुम लोग AI का सब्जेक्ट पढ़ो, अगर अच्छा नहीं लगता है तो हम प्रिंसिपल सर को बोल के AI वाला सब्जेक्ट हटवा देंगे। ठीक है सर, मैं AI पढ़ना चाहता हूँ। आप लोगों ने कुछ अच्छा ही सोचा होगा हमारे बारे में, तभी तो ऐसा कदम उठाया है आप लोगों ने, तभी तो रोबो सर को बुलाए हैं। रोबो सर एक बात बताइए, आप पहली बार स्कूल में आए हैं तो आपको डर तो नहीं लग रहा है ना? आपकी टांगे तो नहीं कांप रही हैं? कुर्सी मंगवा दें आपके लिए, आपका पैर तो नहीं दर्द हो रहा है? मुझ पर एक एहसान करना कि मुझ पर कोई एहसान ना करना। ऐसा लगता है ना कि रोबो सर सलमान खान की फिल्में ज्यादा देखते हैं। रोबो सर नए आए हैं मोनू, चल यार आज एक रैगिंग करते हैं इनके साथ। हाँ यार समोकन, तू सही बोल रहा है यार, कुछ रैगिंग कर मजा नहीं आ रहा है, कुछ सुना सुना लग रहा है यार, कुछ कर यार मजा आ जाए भाई। रोबो सर क्या आप हमें डांस करना सिखा सकते हैं? क्योंकि AI द्वारा हम कुछ भी सीख सकते हैं ना, तो आप हमें कुछ डांस के स्टेप सिखाइए ताकि हम भी डांस करना सीख सकें। ठीक है, मैं तुम्हें डांस करके दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिएगा। लो, हो गया इसका राम नाम सत्य। जाइए सर जी, इसको चार्ज कीजिए, फिर लेके आइए, फिर पढ़ाएंगे। सर इनका बैटरी इम्प्रूवमेंट कीजिए, क्योंकि पढ़ाते समय अगर बीच में ये शट डाउन हो गए तो हमारा क्या होगा सर?